हेलो एवरीवन माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेंथ क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर नाइन सो दिस इज द क्वेश्चन ए ब्रॉश इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फाइव डायमीटर विच डिवाइड सर्कल इंटू टेन इक्वल पार्ट इंटू टेन इक्वल सेक्टर्स इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व फाइंड नंबर वन द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड नंबर टू द ब्रॉश ऑल राइट तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का उससे पहले मैं इस क्वेश्चन से जो एसोसिएटेड फिगर है वो मैं आपके सामने ले आता हूँ सो दिस इज द फिगर ओके okay. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले आप समझिए वो कह रहे हैं एक वायर है ठीक है उस वायर की हेल्प से हमने एक ब्रॉश बनाया है और ब्रॉश कैसे बनाया कि हमने वायर ली लेट से कि वो इतनी बड़ी वायर थी उसमें से हमने इतना पार्ट ले लिया क्या करने के लिए उसका सर्कुलर पार्ट बनाने के लिए नंबर वन और ये जो बाकी का पार्ट बचा है उससे हमने क्या किया टोटल फाइव डायमीटर्स बनाए और उसको अरेंज कर दिया किसमें ब्रॉश के अंदर और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा ब्रॉश है वो टेन सेक्टर्स में डिवाइड हो गया है तो क्या मतलब है मेरा इस बात को कहने का लेट से कि कोई इतनी बड़ी वायर रही होगी ओके okay? और उसमें से हमने इतनी कट कर दी क्लियर और इससे हमने क्या करा पहले ये सर्कुलर शेप बनाई है ध्यान से देखिएगा पहले हमने ये सर्कुलर ये बनाया है क्लियर अभी जो बाकी की वायर बची ये वाली हिस्सा उससे हमने क्या करें पांच डायमीटर लगा दिए कुछ इस तरीके से एक दो तीन चार और ये पांच ऐसे डायमीटर लगा दिए ओके तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो टोटल टेन सेक्टर्स भी बन गए हैं तो हमारे लिए दो चीजें आपने फाइंड करनी है नंबर वन ये बताइए कि इस वायर की लेंथ कितनी रहेगी नंबर वन जिससे आपने ब्रॉश बनाया इन गिवन सिचुएशन में नंबर टू वो ये कह रहे हैं ये बताइए कि ये जो सेक्टर आपके सामने आया है हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा क्लियर क्वेश्चन चलिए अब अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है एक मिनट माफ कीजिएगा क्वेश्चन गायबी हो गया है तो ठीक है अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं पर उससे पहले मैं आपको रियल लाइफ में ब्रॉश किसको कहते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ देखिए कई बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर ये ब्रॉश होता है, क्या है तो देखिए ये होता है ब्रॉश बेसिकली आप कभी भी शादी या किसी फंक्शन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जब आप ब्लेजर पहनते हैं तो इस तरह का ब्रॉश पहनते हैं उसको थोड़ा सा और स्मार्ट लगने के लिए डेकोर करने के लिए राइट तो इसको हम कहते हैं ब्रॉश क्लियर है यहाँ तक चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि सॉल्व कैसे करना है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन और गिवन में क्या लिखेंगे देखिए जरा गिवन हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कुलर ब्रॉश सर्कुलर ब्रॉश दैट इज 35 मिलीमीटर ओके एंड रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर ब्रॉश जिसको आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट विल बी 35 फाइव अपॉन टू मिलीमीटर यहां तक क्लियर अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं को 2 से डिवाइड करने लग जाते हैं कोई जरूरत नहीं है थर्टी फाइव बाई टू ही आप है उस वायर की टोटल लेंथ निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे सर्कुलर पार्ट बनाने में कितना यूज हुई है वायर कितनी लेंथ यूज हुई है सर्कुलर पार्ट बनाने के लिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द वायर पहले आप आ, ऐसे लिख सकते हैं टोटल ऑफ वायर तो इसको समझिएगा एक तो सर्कुलर पार्ट बनाने के लिए यूज हुई तो उसकी वैल्यू क्या होगी दैट इज टू पाई उसी के साथ साथ फाइव डायमीटर्स यूज हुए हैं ये लगाने के लिए जैसे कि ये लाइन लगी आई हमने है ना तो आपके लिए फाइव इन थ्री यहां तक क्लियर है अब अगर यहां तक आपको बात क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें वैल्यूज करेंगे सो so, से कितना ओके okay? अब सिंपल सी कैलकुलेशन है डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करें सेवन से आप इसे कैंसिल करेंगे दिस विल बी फाइव इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो so, टू से टू कैंसिल तो ये हो गया ट्वेंटी टू इंटू फाइव प्लस

और सेकंड पार्ट के लिए इसका जरा ध्यान दीजिए ये हमारी शेप है ब्रॉश की इसमें रेडियस तो हमें पता लग गया कि ये हमारा रेडियस है बट एंगल कितना होगा एंगल तो हमें नहीं पता ये एंगल चाहिए ना तो इसको समझिए टोटल कितने सेक्टर्स बन, बन रहे हैं टोटल बन रहे हैं टेन सेक्टर्स यहां पर दिया हुआ है यस yes, और अगर आप देखेंगे पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है दैट इज थ्री सिक्सटी डिग्री तो अब आप क्या करेंगे 360 को डिवाइड कर देंगे 10 में क्योंकि इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं तो आपके लिए सेक्टर एंगल भी आ जाएगा तो आप यहां लिख सकते हैं सेक्टर एंगल जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे थीटा से दिस विल बी इक्वल टू 360 अपॉन में 10 द करेक्ट आंसर इज 36 डिग्री तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जैसे कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं यहां लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू टीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू फाइव आर स्कोयर सो वट इज द वैल्यू ऑफ टीटा दैट इज थर्टी सिक्स अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर की वैल्यू कितनी है अभी हमने देखी थी इट इज थर्टी फाइव अपॉन टू इंटू थर्टी फाइव अपॉन टू क्लियर यहाँ तक अब देखिए सारा का सारा क्वेश्चन सिंपल हो चुका है अब आप बस इसको कैलकुलेट करें आंसर आपके पास है कैसे करेंगे कैलकुलेट देखिए जरा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल दैट इज वन अपॉन टेन ये और ये कैंसिल दैट इज हालांकि ये सेवन भी कट जाएगा बट कोई नहीं हम नेक्स्ट स्टेप में दिखा देते हैं दैट इज अपॉन में इससे इसको कैंसिल कर दीजिए दिस इज फाइव क्लियर अब इस फाइव को इससे कैंसिल कर दीजिए दिस इज टू तो आप क्या लिख सकते हैं इलेवन अपॉन दिस टू और ये वाला टू भी यहीं लिख दीजिए दैट इज टू इन टू में यहाँ क्या बचा आपके पास दैट इज थर्टी फाइव यहां तक क्लियर है अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 11 35 385 4 mm का जरूर ध्यान रखिए तो अगर आपसे पूछा जाए क्या आई है लेंथ आई है आपकी दिस वन ये आप देख सकते हैं टू एटी फाइव इज देंथ और एरिया क्या आया है एरिया आ गया आपके लिए this one 384 uh, sorry 385 by 4 millimeter square all right students happy learning hello students thank you for watching my video i hope your doubt related to this question is clear now if it's so then please like it and share this video friends moreover don't forget to subscribe my channel for free online math classes one more thing if you are looking for a math teacher for yourself then contact details are in a description box thank you